हेलो दोस्तों, मैं तरुण आपके अपने चैनल तरुण स्लैब में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टार डेल्टा कनेक्शन क्या होते हैं और स्टार कनेक्शन कहां किया जाता है, डेल्टा कनेक्शन कहां किया जाता है। स्टार डेल्टा कनेक्शन थ्री फेज सप्लाई में ही हो सकते हैं, सिंगल फेज सप्लाई में स्टार डेल्टा कनेक्शन नहीं होते हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे थ्री फेज सप्लाई और सिंगल फेज सप्लाई क्या होती है। सिंगल फेज सप्लाई हमारे घरों में आती है, इसमें दो वायर होती है, एक फेज और एक न्यूट्रल। फेज जिसे हम कर्म तार या लाइव वायर भी बोलते हैं, दूसरा न्यूट्रल होती है जिसे ठंडी तार भी बोला जाता है। थ्री फेज सप्लाई हमारे इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन से आती है, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट, यहाँ से सप्लाई हमें डेल्टा की फॉर्म में मिलती है। थ्री फेज सप्लाई में तीनों फेजेस में फेज डिफरेंस 120 डिग्री का होता है। ये तीन कलर से दिखाई जाती है, रेड, येलो, ब्लू, और न्यूट्रल है तो उसे ब्लैक कलर से। डेल्टा कनेक्शन में तीनों फेजेस रेड, येलो, ब्लू आपस में सीरीज में कनेक्ट होते हैं। ये सारे कनेक्शन डेल्टा की शेप में होते हैं, इसलिए इन्हें डेल्टा कनेक्शन बोलते हैं और इसे मैश कनेक्शन भी बोला जाता है। यहाँ से टोटल थ्री फेजेस की थ्री वायर्स निकलती हैं, इसलिए यह एक थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम बनाता है। दोस्तों, वहीं अगर स्टार कनेक्शन की बात करें तो यहाँ तीनों फेजेस रेड, येलो, ब्लू के एक एक एंड आपस में कनेक्ट होकर एक पॉइंट पर मिलते हैं, जिसे न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। यह एक स्टार की तरह दिखता है, इसलिए इसे स्टार कनेक्शन बोला जाता है और इसे वाई कनेक्शन भी बोलते हैं। यहाँ से टोटल फोर वायर्स निकलती हैं, थ्री फेज की वायर है और एक न्यूट्रल की, और इससे थ्री फेज फोर वायर सिस्टम बनता है। अब हम समझते हैं कि डेल्टा और स्टार कनेक्शन पावर सिस्टम में कैसे यूज किए जाते हैं। पावर सिस्टम होता है इलेक्ट्रिक पावर बनने से लेकर आपके घरों तक पहुंचने का जो सिस्टम होता है, वो सब पावर सिस्टम में आता है। जैसे इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जहां बिजली बनती है, ट्रांसमिशन लाइन एंड केबल्स जिनके द्वारा बिजली ले जाई जाती है, और ट्रांसफॉर्मर्स, ये सभी इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में आते हैं। पावर स्टेशन से डेल्टा कनेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन द्वारा ट्रांसफर होती है और वो अलग अलग सबस्टेशन तक जाती है। यहाँ से आपके घरों के नजदीकी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तक आती है। ट्रांसफार्मर में एक तरफ इनपुट होता है और एक तरफ आउटपुट होता है। इनपुट में ये डेल्टा कनेक्शन होता है और आउटपुट में स्टार कनेक्शन होता है। यहाँ पर स्टार कनेक्शन आउटपुट में इसलिए होता है क्योंकि हमारे घरों में फेज के साथ साथ न्यूट्रल भी जाता है, इसीलिए यहाँ से थ्री फेज और एक न्यूट्रल मिलता है। एक फेज और एक न्यूट्रल सिंगल फेज सप्लाई बनकर आपके घरों तक पहुँचती है। तो आपने देखा कि यहाँ पर ट्रांसफार्मर द्वारा डेल्टा से स्टार कन्वर्जन किया गया। दूसरा, इसका यूज इंडक्शन मोटर्स में होता है, जहाँ पर स्टार डेल्टा स्टार्टर्स का यूज होता है, क्योंकि इंडक्शन मोटर्स स्टार्टिंग के समय काफी करंट लेती है, इसलिए वहाँ स्टार से डेल्टा कन्वर्जन की जरूरत पड़ती है। इसका डिटेल्ड वीडियो भी मैं आपके लिए आगे लेकर आऊंगा। इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज हैं जिन्हें इंट्रो में भी पूछा जाता है, तो वीडियो में अपना ध्यान बनाए रखें। ये डेल्टा कनेक्शन है और ये स्टार कनेक्शन है। ये जो इसके कंपोनेंट हैं, इनके एंड्स पर जो वोल्टेज होती है वो हमारी फेज वोल्टेज कहलाती है, और किसी दो लाइन के बीच में वोल्टेजेस लाइन वोल्टेज बोली जाती हैं। उसी प्रकार फेज करंट और लाइन करंट होता है। इस कंपोनेंट में से जो करंट जाएगा वो फेज करंट होगा, और किसी भी एक लाइन में से जो करंट जाएगा वो लाइन करंट होता है। स्टार कनेक्शन में भी इसी तरह से होता है, ये फेज वोल्टेज, ये लाइन वोल्टेज, यहाँ फेज करंट और इधर लाइन करंट। डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेजेस फेज वोल्टेज के बराबर होती हैं और लाइन करंट होता है √3 मल्टीप्लाई फेज करंट। वहीं स्टार कनेक्शन में लाइन करंट बराबर होता है फेज करंट के और लाइन वोल्टेजेस होती हैं √3 मल्टीप्लाई फेज वोल्टेज। स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन में पावर का एक फॉर्मूला होता है, 3 मल्टीप्लाई फेज वोल्टेज मल्टीप्लाई फेज करंट मल्टीप्लाई cos φ। cos φ पावर फैक्टर होता है। पावर फैक्टर के बारे में आपको अगर डिटेल में जानना है तो मैंने ऊपर आई बटन पर लिंक शेयर कर दिया है, वहां से आप वीडियो को देखकर आसानी से समझ सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला लाइन वोल्टेज और लाइन करंट की टर्म में होता है, तुम्हारी पावर हो जाएगी √3 मल्टीप्लाई लाइन वोल्टेज मल्टीप्लाई लाइन करंट मल्टीप्लाई cos φ। दोस्तों, तो आपने देखा कि डेल्टा कनेक्शन में फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज बराबर होते हैं और स्टार कनेक्शन में लाइन करंट और फेज करंट बराबर होते हैं। अगर इन दोनों की पावर्स की तुलना करें तो डेल्टा कनेक्शन में पावर 3 गुना ज्यादा होती है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने सीखा कि थ्री फेज सप्लाई और सिंगल फेज सप्लाई क्या होती है, स्टार डेल्टा कनेक्शन क्या होते हैं और कहाँ यूज किए जाते हैं, और इससे रिलेटेड कौन से फॉर्मूलास हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए, जो आपके इंट्रो के लिए काफी इम्पोर्टेंट हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक तो बनता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आगे काफी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।